नमस्कार, मैं पंकज कुमार, डीएसआई ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि सर, हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। सो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा कि आप अगर जीवन बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो डेफिनेटली आपका जीवन भी बदल जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि इस दुनिया में कुछ लोग खुश रहते हैं और कुछ लोग दुखी रहते हैं? क्यों कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब रह जाते हैं? क्यों बहुत लोग जिंदगी को स्वस्थ तरीके से जीता है, बहुत लोग सब दिन बीमार तरीके से जीते हैं? क्यों जिंदगी में बहुत सारे लोग अपने सारे सपनों को हासिल कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों का सपना सपना ही रह जाता है? दोस्तों, ऐसे इसलिए हो पाता है कि आज आपका जो भी वर्तमान जिंदगी है, ये आपका पीछे का सोचा हुआ नतीजा है, वो फल अभी आपको मिल रहा है। अगर आप फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो वर्तमान में आप क्या सोच रहे हैं, इसका निचोड़ आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। आप आज जो वृक्ष लगा रहे हैं, जिस चीज का वृक्ष लगा रहे हैं, दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लगाएंगे आम और उसमें फलेगी संतरा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अगर मिट्टी के अंदर रोपेंगे आलू तो उसमें निकलेगी शकरकंद। तो आप अपने जिंदगी में, अपने जीवन में क्या सोच रहे हैं, आप में क्या सोच रहे हैं, वही चीज आपको कल मिलेगा। सो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैं हर चीज का एग्जांपल कहानियों के द्वारा देता हूं, आज मैं फिर आपके लिए एक कहानी के द्वारा जीवन का रहस्य समझाना चाहता हूं। और इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक बार की बात है, एक मेला में एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा होता है। तो वो गुब्बारे बेचता है और बहुत रंग रंग बिरंग के गुब्बारे वो बेच रहे होते हैं, काले, नीले, पीले, लाल, वाइट, सब रंग का वो गुब्बारा बेच रहा होता है। और गुब्बारे वाले का एक नियम था कि जब जब भी उसका गुब्बारे का बिक्री कम हो जाता था, तब तब वो क्या करते थे, किसी एक गुब्बारे में हीलियम गैस भर देते थे और वो गुब्बारा एक लंबी तागा से बांध के उसको ऊपर उड़ाते थे। तो मेले में जितने भी बच्चे थे, वो सारे बच्चे दौड़ते थे कि मैं उनके पास जाऊंगा, उनके गुब्बारा आसमान में उड़ता है। तभी एक बच्चा परेशान हो रहा था कि आखिर उनको जो रंग पसंद था गुब्बारा, वो रंग का वो हवा में दिख नहीं रहा था। वो कभी लाल रंग के उड़ा दे, कभी पीला रंग का उड़ा दे, कभी व्हाइट रंग का उड़ा दे, लेकिन उस बच्चों को काला रंग का गुब्बारे पसंद था। तभी वो बच्चा जाता है और गुब्बारे वाले का पीछे से उनका शर्ट खींचता है और गुब्बारे वाले को बोलता है, अंकल क्या इसमें से काले रंग का हवा में नहीं उड़ सकता है क्या? तो गुब्बारे वाले बच्चों को बोलते, ध्यान से सुनिएगा, गुब्बारे वाले बोलते हैं कि बेटा, ये गुब्बारे रंग से नहीं उड़ता है, ये गुब्बारे साइज से आकार से कोई मतलब नहीं है, ये गुब्बारे के अंदर जो भरी हीलियम गैस है जिनके वजह से ये आसमान में उड़ता है। मैं किसी भी रंग में अगर ये हीलियम गैस भर दूं ना बेटा, तो ये आसमान में उड़ जाएगी। दोस्तों, सेम उसी प्रकार का है। इस पृथ्वी पर आज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, कोई मैटर नहीं करता है। काले हो, गोरे हो, कोई मैटर नहीं करता है। लंबे हो, छोटे हो, कोई मैटर नहीं करता है। किस धर्म के हो, किस जाति को हो, ये कोई मैटर ही नहीं करता है। दोस्तों, सबसे बड़ा मैटर करता है कि आप सोच क्या रहे हैं। आप अगर सोच बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी। जिस तरीके से वो गुब्बारे में भरे हीलियम गैस के वजह से वो गुब्बारे ऊपर जाता है, रंग के वजह से नहीं, ठीक उसी प्रकार जीवन में लोग कामयाबी हासिल करते हैं, वो अपने सोच के हिसाब से। आज आप जो सोच रहे हैं, वही आप कल बनेंगे। आज की आपकी नतीजा जो भी है, आप कई सारे लोग जीवन में जब कुछ असफलताएं हाथ लगती है तो किसी को दोषी देने लगता है कि मैं फलना के वजह से मैं ये नहीं कर पाया, मैं उनके वजह से ये नहीं कर पाया। दोस्तों, यहां पर एक ही चीज है कि आपका किया गया काम का ही नतीजा आपको मिल रहा है। आपने जो सोचा वही आपको मिल रहा है। अगर आप इसको नकार रहे हैं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ये किसी दूसरे के द्वारा आपको नहीं मिला है, ये आपके किए गए सोच के हिसाब से ही आपको मिला है। तो आप आज से ये चीज सोचिए कि आगे जिंदगी में आप क्या चाहते हैं। सिंपल सा बात है, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप सिर्फ सफल के बारे में सोचिए, नकारात्मक चीजों के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आगे चल के आपको फिर नकारात्मक हासिल होगी और फिर आप बोलेंगे कि कहीं ना मेरे जीवन में सिर्फ बुराई होता रहता है। दोस्तों, हर इंसान
अपने सोच के बदौलत आगे बढ़ता है, अपने सोच के बदौलत कोई पीछे रह जाता है। आप जो सोच रहे हैं उसमें भी क्लियरिटी होनी चाहिए, आप सोच क्या रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान एक आदमी पे खुश होके दो वर मांगने के लिए बोले कि दो वर मांग लीजिए आप जो मांगना चाहते हैं। तो व्यक्ति बोला, भगवान आप मुझे सबसे सुंदर दारू दे दीजिए और सबसे सुंदर औरत दे दीजिए। तो भगवान खुश होके तुरंत उसको सबसे सुंदर दारू भी दे दिया और साथ में मदर टेरेसा भी दे दी। तो यहां पर आप सोच क्या रहे हैं, सोच में भी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले, कई बार आप गलत तरीके से सोच लेते हैं और जब ऊपर वाले ने आपको दे देता है फिर आप सोचते हैं मैंने ये तो नहीं सोचा था, मैं तो कुछ दूसरा सोचा था। दोस्तों आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट्स करके हमको आप जरूर बताइएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके मेरी उत्साह बढ़ाइएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अधूरा काम ना करें आप बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। All the best, be the best. Thank you.